हरियाणा के फरीदाबाद में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। आरोपी को बच्ची के घर वालों ने मौके पर ही काबू करके पुलिस को सौंप दिया है। दूसरी ओर बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालत गंभीर होने के चलते उसे दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भेजा गया है। इस घटना से दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि मामला फरीदाबाद के NIT क्षेत्र में नगला एनक्लेव पार्ट 2 का है। बताया जा रहा है कि बिहार मूल का 22 साल का एक युवक यहां किराए पर रहता है। इसी मकान में एक और परिवार रहता है। आपको बता दें कि बुधवार देर रात करीब 12 बजे युवक पड़ोसी किराएदार के कमरे में घुस गया जब सब लोग सोए हुए थे। उसने 8 साल की बच्ची के साथ गलत काम कर डाला। इसी दौरान अचानक से बच्चे की चीख सुनकर उसके घर वालों की नींद खुल गई और उन्होंने गलत काम कर रहे युवक को तुरंत धर दबोचा। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा आनन फानन में दुष्कर्म पीड़ित बच्ची को स्थानीय BK मेमोरियल सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्ची की हालत ज्यादा खराब होने के चलते डॉक्टर्स ने उसे यहां से दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में रेफर कर दिया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।